अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल सईद। मैं सईद शेख। आज 2 नवंबर 2023 आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी रियाल एक्सचेंज रेट इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश और नेपाल के बारे में कि आज सऊदी अरब की कौन सी बैंक से क्या रेट मिलेगा इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश और नेपाल के लिए। तो चलिए दोस्तों फटाफट से जान लेते हैं आज के रियाल रेट की ताज़ा अपडेट। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस करना ना भूलिए। फॉरी बैंक के जरिए पैसे भेजने पर इंडिया के लिए आज आपको रेट मिलेगा 21.87 रुपए, पाकिस्तान पैसे भेजने पर आज आपको रेट मिलेगा 73.98 रुपए, जबकि बांग्लादेश पैसे भेजने पर आज आपको रेट मिलेगा 28.99 रुपए और नेपाल पैसे भेजने पर आज आपको रेट मिलेगा 35.10 रुपए। दूसरे नंबर पर अगर हम बात कर लें वेस्टर्न यूनियन बैंक की, वेस्टर्न यूनियन बैंक इंडिया के लिए दे रही 21.87 रुपए, पाकिस्तान के लिए दे रही 74.42 रुपए, वहीं पर बांग्लादेश के लिए दे रही है 29.03 पैसा और नेपाल के लिए दे रही है 35.31 रुपए। और दोस्तों अब हमारे पास मौजूद है क्विक के एनसीबी बैंक। क्विक के एनसीबी बैंक के जरिए पैसे भेजने पर इंडिया के लिए आज आपको रेट मिलेगा 21.68 रुपए, पाकिस्तान पैसे भेजने पर आज आपको रेट मिलेगा 73.70 रुपए। इसी तरह से बांग्लादेश पैसे भेजने पर आज आपको रेट मिलेगा 28.85 पैसे और नेपाल पैसे भेजने पर आज आपको रेट मिलेगा 34.87 पैसे। अगर हम बात कर लें एसटीसी पे एप्लीकेशन की, एसटीसी पे एप्लीकेशन इंडिया के लिए दे रही 21.78 पैसे, पाकिस्तान के लिए दे रही 73.95 पैसे, जबकि बांग्लादेश के लिए दे रही 28.89 पैसे और नेपाल के लिए दे रही 35.22 पैसे। इमजाज बैंक के जरिए पैसे भेजते हैं। इमजाज बैंक के जरिए पैसे भेजने पर इंडिया के लिए आज आपको रेट मिलेगा 21.88 पैसे, पाकिस्तान पैसे भेजने पर आज आपको रेट मिलेगा 74.10 पैसे, वहीं पर बांग्लादेश पैसे भेजने पर आज आपको रेट मिलेगा 29.05 पैसा और नेपाल पैसे भेजने पर आज आपको रेट मिलेगा 35.10 पैसे। अलराजी बैंक के जरिए पैसे भेजने पर इंडिया के लिए आज आपको रेट मिलेगा 21.88 पैसे, पाकिस्तान पैसे भेजने पर आज आपको रेट मिलेगा 73.99 पैसे। इसी तरह से बांग्लादेश पैसे भेजने पर आज आपको रेट मिलेगा 28.98 पैसे और नेपाल पैसे भेजने पे आज आपको रेट मिलेगा 35.18 पैसे।